हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम रोटी से सैंडविच बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट सैंडविच बना है। ये हमारे पास बची हुई रोटी है, इससे हम सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए हमने सैंडविच बनाने के लिए आलू उबाल लिया है छोटा छोटा काट के। ये देखिए उबला हुआ आलू है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ले लिया है। कढ़ाई गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, जीरा डाल लिया हमने तड़का के लिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमारा जीरा चटकने लग गया है। अभी प्याज डाल लिया हमने, हरी मिर्च भी डाल लिया साथ में। अभी इसको हल्का फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई हो चुका है दोस्तों। अभी अपना आलू इसमें हम डाल लेंगे, आलू भूनेंगे इसको, आलू को। अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमारा आलू भून चुका है। अभी मसाले डालेंगे इसमें। ये हमने कश्मीरी मिर्च डाला है, ये हम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल लिया हमने। अभी सारे को मिक्स करेंगे हम। कटा हुआ टमाटर भी डाल लेंगे इसी में। अच्छी तरह से इसको हम पकाएंगे, टमाटर को भून लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए हमने आधा चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आलू ऐसे भूनते भूनते इसी में हम कट कर लेंगे आलू को। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा आलू भून चुका है, मसाले भी पक गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए हमने आलू को मिक्स कर लिया है। अभी ऊपर से थोड़ा सा धनिया काटा हुआ डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे धनिया को। ये हमारा आलू बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है, ठंडा कर लेते हैं इसको। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अभी अपना रोटी ले लेते हैं। ये देखिए अलग से प्लेट ले लेते हैं। ये देखिए हमारे रोटी में पहले से घी लगा हुआ है और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पे हम आलू रखेंगे। ये देखिए फैला लेंगे अच्छी तरह से, आधे हिस्से पे रखेंगे। देखिए हमारा आलू रख चुका है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारे रोटियां बना लेंगे। इसमें आलू भर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए भर चुका है, ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। ये देखिए हमने बना लिया है। अभी तवा गरम कर ले रहे हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है। अभी इसमें तेल डाल लेते हैं। रिफाइंड तेल डाला हमने। ये देखिए अच्छी तरह से पहले फैला लेते हैं इसको, तेल को। अभी रोटी का सैंडविच हम इस पे सेकेंगे तवे पे। ये देखिए अच्छी तरह हल्की आंच पे सेकेंगे हम इसे। ऊपर से भी तेल लगा लेते हैं। ये देखिए हमने तेल लगा लिया। अभी साइड भी पलटेंगे हम।
ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन फ्राई हुआ है। देखिए ऐसे ही सारी रोटियां हम सेक लेंगे। दोस्तों हमारे तरीके से एक बार रोटी बची हुई रोटी से बनाकर देखिए कितनी स्वादिष्ट बनती है सैंडविच। चाहे तो बच्चे टिफिन में भी ले जा सकते हैं। ये देखिए हमारी सैंडविच बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें।